हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्मृति आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो आर्ट मेड इजी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ आपसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का लेक्चरर का वो डिस्कस करूँगी, एग्ज़ाम पैटर्न की, और इसका ड्राइंग और पेंटिंग सब्जेक्ट का मैं आपको सिलेबस भी यहाँ पे बताऊँगी कि इसका क्या सिलेबस है, कैसा एग्ज़ाम आएगा, मतलब कितने पेपर होंगे, निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, ये सारी बातें मैं आज आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने पेपर होंगे। तो यहाँ पे टोटल हमारे 3 पेपर आएंगे। 3 पेपर में फर्स्ट नंबर का जो पेपर होगा वो हमारा सब्जेक्ट का ही होगा, ड्राइंग पेंटिंग का। सेकेंड नंबर का भी जो पेपर हमारा ड्राइंग पेंटिंग से रिलेटेड ही आएगा। दोनों पेपर सेम, मतलब अलग अलग हैं, और इसमें क्या है, 150 मार्क क्वेश्चन आएंगे दोनों में, फर्स्ट में और सेकंड दोनों में 150 क्वेश्चन आएंगे, और 75 मार्क्स का होगा। मींस एक जो हमारा क्वेश्चन होगा वो हाफ मार्क्स का या होगा, और 3 आवर हमें दोनों पेपर में मिलेगा। फिर है थर्ड पेपर की बात कर लेते हैं। ये कॉमन पेपर है जो सारे सब्जेक्ट के लिए सेम रहता है। इसमें जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान से रिलेटेड, जनरल स्टडी से क्वेश्चन आएंगे। इसमें हमारे 100 होंगे क्वेश्चन, जो 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो और इसके लिए हमें 2 घंटा मिलेगा, तो टोटल हमारा 200 मार्क्स का हो जाएगा। इसके बाद जब हम ये क्लियर कर लेंगे तो हमारा अब होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू हमारा होगा 24 मार्क्स का। 24 मार्क्स का यहाँ पे इंटरव्यू भी होगा, और सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होगी 1/3। अगर हमारा कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो हमारा नंबर कटेगा। 3 क्वेश्चन गलत होने पर हमारा 1 नंबर कट जाएगा। फिर है कि यहाँ पे जब टू द एक्सटेंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज द कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन सच मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन। मतलब कि अगर हम जितने बच्चे क्लियर करेंगे उनमें से जितनी वैकेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग जो मेरिट बनेगी उसमें 1/3, मतलब ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा, 1/3 ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत वैसा रहेगा। इसमें क्या है कि जब हम मेरिट बनेगी, मेरिट के अकॉर्डिंग 1/3 ज़्यादा बच्चों को उसके लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो अब अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं हम ड्राइंग पेंटिंग का, कि ड्राइंग पेंटिंग के 2 पेपर में क्या क्या सिलेबस है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं आपसे पेपर डिस्कस करूंगी कि क्या सिलेबस है। पेपर फर्स्ट का 2 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर है इसका आरपीएससी का। इसमें फर्स्ट पेपर का सिलेबस, इसमें देखते हैं हमारे सब्जेक्ट से क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। यूनिट फर्स्ट, इसमें हमारा आएगा मीनिंग, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट्स। मीन्स इसमें आर्ट मतलब कला से संबंधित, कला का अर्थ, विशेषताएं, महत्व, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। फिर है कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ विजुअल आर्ट्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप विद अदर मोड ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, परफॉर्मिंग आर्ट एंड लिटरेचर। जो विजुअल आर्ट, दृश्य कलाएं होती है, उसका आपस में क्या संबंध है, महत्व, इन सारी चीजों को पूछा जाएगा। फिर है मटेरियल और मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसमें पूछा जाएगा एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल सपोर्ट इन पेंटिंग, मतलब पेंटिंग में जो जो मटेरियल यूज होते हैं, और जैसे कैनवास, पेपर, वॉल, सरफेस, पैनल, मिक्स मीडिया, इसमें क्लियर किया गया है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके टेक्निक ऑयल पेंटिंग और उसकी टेक्निक, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ वॉल पेंटिंग, वॉल पेंटिंग की टेक्निक्स आएंगी, जिसमें फ्रेस्को, शेक्को, ब्यूनो, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर मॉडर्न टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ पिगमेंट, कलर से रिलेटेड जो थ्योरी है, और उस मतलब रंगों का क्या सामंजस्य होता है, क्या ये सारे महत्व है, ये सारी चीजें भी इसमें पूछी जाएंगी। नेचर एंड फंक्शन ऑफ आर्ट इन द सोसाइटी, समाज में या हमारे कला का क्या मतलब व्यवहार और उसमें क्या महत्व है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट इसी में पूछेगा फोक आर्ट ट्रेडिशन, फोक आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे कई, जिसमें राजस्थान की दिया गया है मांडना, पिछवाई, फड़, कावड़ पेंटिंग, उड़ीसा और बंगाल के पटचित्र, बिहार की मधुबनी, गुजरात की पिठौरा और महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग। देखिए, सबसे ज्यादा तो राजस्थान का पेपर है, इसलिए राजस्थान से रिलेटेड ज्यादा पूछेगा, और उसके अलावा भी हमें और उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा। इनसे रिलेटेड, फोक आर्ट से रिलेटेड भी चीजें आएंगी।
नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। सेकेंड यूनिट आ गया हमारा, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है ये। इसमें हमारा वही बेसिक हो गया, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग हो गया, इंडस वैली हो गया, सिंधु सभ्यता जिसमें आती है हड़प्पा, फिर वॉल पेंटिंग, जोगीमारा हो गया, जनता एलोरा हो गया, बाग बदामी, सित्तनवासल, मैनुस्क्रिप्ट पेंटिंग, ट्रेडिशन ऑफ पाल, वेस्टर्न इंडिया, ये भी हो गया, दक्षिण भारत की जो पाल जैन शैली थी उससे रिलेटेड अभ्रंश शैली, इन सब के बारे में भी इसमें पढ़ना है। फिर है ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ये सारी चीजें तो कॉमन है, जो और भी एग्जाम होते हैं उसमें सब पूछा जाता है। मुगल राजस्थानी पहाड़ी, पहाड़ी में भी स्पेशली बसोली और गुलेर कांगड़ा आई थी, इन तो पढ़नी पढ़नी है। एंड दक्कन पेंटिंग, अहमदनगर बीजापुर और गोलकुंड, ये हमें इसके बारे में भी देखना है। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ अर्ली इंडियन स्कल्पचर फ्रॉम इंडस वैली टू गुप्त पीरियड, मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण एंड गुप्ता, यानी हमें इंडियन स्कल्पचर के बाद मूर्तियों के बारे में भी पढ़ना है। मौर्य कालीन, शुंग कालीन जो मूर्तियां थी इनके बारे में भी हमें देखना होगा। फिर है थर्ड यूनिट दे रहा है आर्टिस्ट ऑफ राजस्थान, इसमें स्पेस दिया हुआ है कि मेन मेन कौन कौन से आर्टिस्ट के बारे में जो राजस्थान से रिलेटेड है, जिसमें राम गोपाल विजयवर्गीय, कृपाल सिंह शेखावत, गोवर्धन लाल जोशी के बारे में, भूर सिंह शेखावत के बारे में, देवकी नंदन शर्मा, परमानंद चोयल, भवानी चंद्र गुई, द्वारका प्रसाद शर्मा के बारे में, राम जायसवाल, सुरेश शर्मा, मोहन शर्मा, ज्योति स्वरूप, आरवी साखलकर, सी एस मेहता, भवानी शंकर शर्मा, समेंद्र शर्मा, सैल चोयल, नथुलाल वर्मा, विद्यासागर उपाध्याय या समंदर सिंह खंगरौत। तो इन सब के बारे में भी जो राजस्थान से रिलेटेड आर्टिस्ट हैं फेमस, उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। उनकी पेंटिंग पूछ सकता है, बर्थ प्लेस पूछ सकता है, या मीडियम पूछ सकता है कि किसमें काम करते हैं, किसके लिए फेमस हैं, ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी। फोर्थ यूनिट है हमारा, वेस्टर्न भी पूछेगा। इंडियन पेंटिंग के साथ साथ हमें वेस्टर्न पेंटिंग के बारे में भी पढ़ना है। मेजर फेजेस इन वेस्टर्न पेंटिंग, जिसमें प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पूछेगा, फ्रांस एंड स्पेन, स्पेशली फ्रेंको कैंताब्रियन क्षेत्र की पेंटिंग के बारे में पूछेगा। मैंने फ्रेंको कैंताब्रियन क्षेत्र पे डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। तो वो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के बारे में भी पूछ सकता है कि कौन सी गुफा कहाँ पे स्थित है, या कोई चित्र दे दिया और उससे रिलेटेड करके पूछ लिया क्वेश्चन कि ये किस गुफा में पाया गया है। इजिप्टियन सभ्यता के बारे में, यानी मिस्र की सभ्यता, पिरामिड वगैरह के बारे में भी आपको पढ़ना है। अगेन आर्ट, ग्रीक आर्ट, रोमन आर्ट, बाइजेंटाइन, गोथिक, रेनेसा, बारोक, रोकोको स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ये सारी चीजें, मतलब वेस्टर्न आर्ट की हमें सारी ही चीजें पढ़नी पड़ेंगी इसमें। फिर है ईस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, यानी अब हमारी सौंदर्य शास्त्र की बात आ गई। सौंदर्य शास्त्र के मतलब टोटल 5 यूनिट है इसमें फर्स्ट पेपर में, इसमें सौंदर्य शास्त्र रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, जिसमें ईस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी है, इसमें ब्यूटी ऑफ वेदा उपनिषद उत्तर उसके पढ़ना है हमें, पंडित यशोधर थ्योरी षडांग के बारे में पढ़ना है, विष्णु धर्म उत्तर पुराण के बारे में भी पढ़ना है, रस नाट्य शास्त्र भरत मुनि का ये भी हमें पढ़ना है, फिर थ्योरी ऑफ रस सदारिणी करना और भारत मुनि, भरत मुनि का पढ़ना है, और वो भट्ट लोलट का, संकुक का, भट्ट नायक का, अभिनव गुप्त का, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर और ए के कुमार स्वामी टुवर्ड्स इंडियन एस्थेटिक्स, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर का और आनंद कुमार स्वामी का भी जो भारतीय सौंदर्य में क्या योगदान है, उनसे रिलेटेड अगर कोई बुक्स है जो सौंदर्य शास्त्र से रिलेटेड कुछ नाम पूछ सकता है, उसके आसपास के ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। सिद्धांत पूछता है कई बार कि यह सिद्धांत किसका है, या अभिनव गुप्त ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। भरत मुनि से रिलेटेड करके क्वेश्चन आते हैं, रस सिद्धांत के क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल हमारे 150 क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे, इसमें से सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, 3 घंटा हमें मिलेगा, और सारे क्वेश्चन मतलब एक ही उसके मतलब सारे क्वेश्चन हमें कंपलसरी हैं करने, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन होगा और निगेटिव मार्किंग होगी। तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट पेपर का है, इसके बाद हम आप डिस्कस करते हैं सेकेंड पेपर के बारे में। तो अब हम सेकेंड पेपर पे चलते हैं। सेकेंड नंबर का जो पेपर आएगा उसके सिलेबस में है फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ विजुअल आर्ट, ये तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो भी बच्चे एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको क्लियर होगा कि फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ आर्ट तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे टीजीटी पीजीटी करें, नेट जेआरएफ करें, डीएसएस भी करें, केवीएस करें, नवोदय करें, सब में हमें ये तो कॉमन है कि फंडामेंटल
फंडामेंटल ऑफ विजुअल आर्ट हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। वैसे भी बहुत सी चीजें कॉमन होती हैं जो एक मतलब हर पेपर में कुछ ना कुछ चीजें तो एक जैसी ही मिलेंगी आपको, पेपर में क्वेश्चन भी कई बार मिल जाता है। तो इसमें आपको मेन हमें वो पढ़ना है लाइन, कलर, फॉर्म, टेक्सचर, पर्सपेक्टिव, स्पेस, शेप, इन सब के बारे में। फिर हमें सेकंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संयोजन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन, यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, इम्फेसिस ऑफ डोमिनेंस, रिदम, प्रपोर्शन, कंट्रास्ट, फोर्टिंग एक्सेट्रा। फिर है क्रिएटिव प्रोसेस। फ्रेंड्स मैंने ये फंडामेंटल ऑफ आर्ट और कंपोजिशन पे भी डिटेल वीडियो बनाए हैं, जिन लोगों को मेरे वो वीडियो देखने हैं आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके मैंने डिटेल वीडियोस बनाए हैं, आप उन वीडियोस को देख भी सकते हैं। फिर क्रिएटिव प्रोसेस पूछा है, ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन, इमेजिनेशन, एक्सप्रेशन, सिक्स कैनन्स ऑफ पेंटिंग इन इंडिया, इंडियन एंड चाइनीज पेंटिंग, यानी चाइनीज पेंटिंग के बारे में भी पूछा गया है, जो छह अंग हैं मुख्य उनके बारे में पूछा गया है। फिर है सेकेंड यूनिट है मेजर ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग, एडवेंट ऑफ मॉडर्निज्म विद राजा रवि वर्मा। अब यहाँ पे आ गई आधुनिक कला की बात, आधुनिक कला के बारे में भी हमें पढ़ना है, जिसमें मुख्य रूप से कंपनी स्कूल से शुरुआत करके हम राजा रवि वर्मा के बारे में, फिर नेक्स्ट बंगाल स्कूल में अवनीना टैगोर और उनके जो शिष्य थे नंदलाल बोस, और नंदलाल बोस के जो शिष्य थे उन सबके बारे में पढ़ना है, जैसे उसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे, अच्युत कुमार हल्दर, इन सबके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा, यामिनी राय के वगैरह, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर है ब्रेक थ्रू इन इंडियन पेंटिंग, कंट्रीब्यूशन ऑफ अमृता शेरगिल, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, बॉम्बे एंड कैलकाटा ग्रुप, शिल्पी चक्र, चोल मंडल, मद्रास एट बड़ौदा स्कूल ऑफ। तो अब यहाँ पे हमें जो प्रोग्रेसिव ग्रुप थे उनके बारे में भी पढ़ना है, जिसमें बॉम्बे, कैलकाटा, शिल्पी चक्र सारे आ जाएंगे, इन सब के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर है फेमस आर्टिस्ट एंड स्कल्प्टर ऑफ इंडिया, फेमस जो मूर्तिकार हैं उनके बारे में भी इंडिया के पढ़ना है, जिसमें मुख्य रूप से अवनींद्रनाथ टैगोर जो पेंटर हैं उनमें अवनींद्रनाथ टैगोर, रवींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, यामिनी राय, हैवेल, अच्युत कुमार हल्दर, अमृता शेरगिल, हैबर, बेंद्रे, हुसैन, सूजा, रजा, आरा, सुब्रमण्यम, सतीश गुजराल, स्वामीनाथ और तैयब मेहता, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर जो मूर्तिकार हैं उनमें प्रदोष दास गुप्ता, देवी प्रसाद राय चौधरी, राम किंकर वैस, धनराज भगत, शंखु चौधरी, हिम्मत शाह, नागजी पटेल, उषा रानी हुजा और अनीस कपूर, इन सब के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। इनकी मूर्तियों के बारे में भी, किस मीडियम में बनाया है, कौन सी मूर्ति पूछता है कि किस किसकी है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा इसमें। थर्ड यूनिट की बात करते हैं, थर्ड यूनिट में हमारा आएगा इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। अब इसमें जो आर्किटेक्चर के बारे में भी पूछेगा, जो टेम्पल से रिलेटेड है, जिसमें एलोरा, एलिफेंटा आ गया, महाबलीपुरम के जो रथ टेम्पल है उनके बारे में पूछेगा, कोणार्क का टेम्पल, सन जो है कोणार्क का उड़ीसा का फेमस मंदिर, उसके बारे में, सूर्य मंदिर के बारे में, इससे रिलेटेड खजुराहो में जो मंदिर है, और मीनाक्षी टेम्पल। अब इन टेम्पल्स के जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, उसकी मूर्ति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, टाइम पीरियड आ सकता है, तो ये तो फेमस चीजें हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना ही पढ़ना है। मूर्तियां बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि मूर्तियों में कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, कौन सी मूर्ति कहाँ पे, कई बार उसका म्यूजियम भी पूछ लेता है कि कौन सी मूर्ति किस म्यूजियम में है, या ये वाली मूर्ति किस गुफा में मिली है या किस मंदिर में मिली है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। टेम्पल स्कल्पचर ऑफ राजस्थान के बारे में विशेष रूप से पढ़ना है, किराडू टेम्पल, बारमेर, हर्ष टेम्पल, सिकार, अंबिका टेम्पल, जगत, उदयपुर, अर्थन, बंसवारा, देलवारा, सिरोही, रानकपुर, पाली, अबहनेरी, दौसा, ये सब जो टेम्पल हैं राजस्थान के, इनके जो स्कल्पचर हैं फेमस उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। मेन ये आरपीएससी का है, तो हमें राजस्थान से रिलेटेड ज्यादा चीजें देखनी होंगी। फोर्थ यूनिट है हमारा वेस्टर्न आर्ट के बारे में, फिर से आया है यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न मॉडर्न आर्ट। इसमें हमारा इज्म वगैरह आ जाएगा, जिसमें नवशास्त्रीयतावाद, नियो क्लासिज्म, रोमांटिज्म जिसे रोमांसवाद, और ये यथार्थवाद, इम्प्रेशनिज्म, ये प्रभाववाद, ये सारी चीजें, बिंदुवाद, ये सारी चीजें, फाओविज्म, और ये पूछा जाएगा।
अलग अलग है, एक्सप्रेशनिज्म भी है, फ्यूचरिज्म, कंस्ट्रक्टिज्म, मेटाफिजिकल पेंटिंग, दादा दादावाद, सर यथार्थवाद, अमूर्त कला, ठीक है, ऑप आर्ट, पॉप आर्ट के बारे में, एक्शन पेंटिंग, मिनिमल आर्ट और पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स, मतलब जो आधुनिक वो यूरोप में जो आधुनिक वाद थे उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन से फेमस आर्टिस्ट थे उस टाइम, किसका क्या काम था, इससे रिलेटेड करके भी क्वेश्चन आएगा। फिफ्थ नंबर की बात करते हैं तो फिफ्थ नंबर पे अब वेस्टर्न, मतलब इंडियन, फर्स्ट पेपर में इंडियन एस्थेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और सेकंड अब हमारा जो पेपर है उसमें हमारा वेस्टर्न एस्थेटिक यानी यूरोपीय जो सौंदर्य शास्त्र से के जो फिलोसफर है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हमें पढ़ना है थ्योरी ऑफ इमिटेशन और रिप्रेजेंटेशन, जिसमें प्लेटो, एरिस्टॉल और एस्थेटिकल व्यू ऑफ अगस्टीन, बामगार्टन, हीगल, सीलिंग, इमानुएल कांट, सिगमंड फ्रायड, लियो टॉल्स्टॉय, क्रोचे, संतायन, सुसैन लैंगर, रिचर्ड्स, रोजर फ्राई, क्लाइव वेल के बारे में पढ़ना है। वेस्टर्न जो फिलोसफर थे उनकी क्या मेन चीजें थी, उनके क्या क्या सिद्धांत थे, किसने इमिटेशन का सिद्धांत दिया है, या इस टाइप से भी क्वेश्चन आएंगे, तो इन ये जो फेमस फिलोसफर हैं इनके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। और ये भी पेपर सेम होगा, इसमें भी 75 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 3 आवर हमें मिलेगा, और यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये दोनों पेपर का सिलेबस मैंने आज आपको यहाँ डिस्कस किया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पेपर दिखाऊंगी कि किस टाइप से पेपर आया था लास्ट टाइम पे, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आसानी रहेगी, आप तैयारी करने में भी आपको आइडिया लगेगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे पेपर आए थे। तो फ्रेंड्स आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, जो भी बच्चे एग्जाम देंगे। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसका पेपर कैसा आया था। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे टाइम टू टाइम आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।